सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल मृणाल घोष को और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आपका नोटिफिकेशन में आ जाए। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है मृणाल घोष और मेरा यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे आप कैसे एक ही जगह से सभी बैंक का फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट पा सकते हो, यानी आपको एक ही जगह से हर बैंक का इंटरेस्ट रेट, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट मिल सकते हैं। वो कैसे मिलता है वही आज हम आपको डिटेल्स में दिखाएंगे, तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आपका नोटिफिकेशन में आ जाए। मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी अवेलेबल हूँ, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है। आप उधर जाके मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज को भी फॉलो कर सकते। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते। सबसे पहले हमको कोई भी एक ब्राउज़र का गूगल पे जाना पड़ेगा। हम गूगल पे चला जाएंगे, गूगल पे जाके हम लिख देंगे मनी कंट्रोल। गूगल पे जाके मनी कंट्रोल लिखने से मनी कंट्रोल वेबसाइट का जो लिंक होता है, मनी कंट्रोल वेबसाइट का लिंक इधर आ जाएगा। इधर मेरे को पहला वाला जो लिंक दिखेगा मनी कंट्रोल वेबसाइट का, moneycontrol.com, वही लिंक पर हमको क्लिक करना पड़ेगा। वही लिंक पर क्लिक करने से मनी कंट्रोल वेबसाइट खुल जाएगा। हम वही लिंक पर क्लिक कर देंगे। वही लिंक पर क्लिक करने से हमको मनी कंट्रोल वेबसाइट दिखेगा। देखिए अभी मनी कंट्रोल वेबसाइट इधर खुल गया। इधर हमको नीचे जाना है, हम पूरा नीचे चला जाएंगे। नीचे जाने से मेरे को बहुत सारे ऑप्शन दिखेगा, हम पूरा नीचे आ जाएंगे। पूरा नीचे आ जाने से मेरे को इधर देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहा है। इधर मेरे को एक ऑप्शन दिखा रहा है फिक्स्ड इनकम, वही फिक्स्ड इनकम ऑप्शन पे हमको जाना पड़ेगा। हम फिक्स्ड इनकम ऑप्शन पे चला जाएंगे तो उधर क्लिक करने से एक नया वाला पेज इधर खुल जाएगा। फिक्स्ड इनकम पे क्लिक कर देंगे तो इधर मेरे को एक पेज खुल जाएगा। इधर देखिए मेरे को दिखा रहा है ऑल बैंक डिपॉजिट रेट, तो इधर मेरे को सभी बैंक का डिपॉजिट रेट दिखेगा। देखिए पहले वाला जो मेरे को पहले बैंक दिखा रहा है, उसके बाद मेरे को पीरियड दिखा रहा है, उसके बाद मेरे को दिखा रहा है इंटरेस्ट रेट, उसके बाद मैच्योरिटी अमाउंट, 10,000 का मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा वो मेरे को इधर दिखा रहा है, उसके बाद दिखा रहा है टैक्स सेविंग्स फीचर, उसके बाद मेरे को आ रहा है नोट, नोट पे दिखा रहा है कितना पैसा तक ये इंटरेस्ट है या फिर कितना पैसा से कितना पैसा तक इंटरेस्ट रेट रहता है। तो इधर मेरे को सभी बैंक दिखेगा। देखिए इधर बहुत सारे बैंक है, हम अपने हिसाब से हम बैंक चूज़ कर लेंगे या फिर हम इधर से कंपेयर भी कर सकते कौन सा बैंक का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ऊपर में आ जाएंगे। ऊपर में आ जाने से मेरे को इधर और एक ऑप्शन दिखेगा। देखिए इधर सीनियर सिटीज़न ऑप्शन दिखा रहा है, तो सीनियर सिटीज़न पर क्लिक कर देंगे तो सीनियर सिटीज़न का इंटरेस्ट रेट इधर आ जाएगा। सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। इधर मेरे को इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा दिखेगा और राइट साइड में मेरे को मैच्योरिटी अमाउंट दिखेगा, 10,000 के मैच्योरिटी अमाउंट क्या होता है वो भी मेरे को इधर दिखेगा। तो इधर भी मेरे को सभी बैंक का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इधर से भी हम सभी बैंक का इंटरेस्ट रेट पा सकते हैं और हम कंपेयर भी कर सकते हैं कौन सा बैंक का ज़्यादा है कौन सा बैंक का कम है। अभी मेरे को ऊपर में एक ऑप्शन दिखेगा इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन, तो इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन पे क्लिक कर देंगे। इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन पे क्लिक करके इधर में इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन डाल सकते हैं। तो इधर हम ईयर 5 ईयर कर देते हैं, 5 ईयर करके अप्लाई फिल्टर कर देते। तो अप्लाई फिल्टर करने से मेरे को इधर आ जाएगा। इधर मेरे को सभी इन्वेस्टमेंट सभी बैंक का जो FD का रेट होता है, फिक्स डिपॉजिट का रेट होता है, जो 5 ईयर या फिर उसके आसपास का जो FD रहता है उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो मेरे को इधर दिखेगा। और इधर उसका भी मैच्योरिटी अमाउंट दिखेगा, 10,000 का मैच्योरिटी अमाउंट कितना होता है। ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए थोड़ा इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है वो मेरे को इधर दिखेगा। तो इधर भी मेरे को सभी बैंक का दिखेगा, हम इधर से सभी बैंक का देख सकते हैं। इधर भी मेरे को सीनियर सिटीजन ऑप्शन मिलेगा ऊपर में, तो हम सीनियर सिटीजन पर क्लिक कर देंगे तो इधर भी मेरे को इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा दिखेगा क्योंकि इधर ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है FD का। तो इधर भी मेरे को राइट साइड में मैच्योरिटी अमाउंट दिखेगा, मैच्योरिटी अमाउंट 10,000 का मैच्योरिटी अमाउंट क्या होता है वो भी मेरे को इधर दिखेगा। तो ऐसे ही हम बहुत ही आसान तरीके से सभी बैंक का FD का इंटरेस्ट रेट हम पा सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं। आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक ज़रूर करना और बहुत सारे शेयर करना और मेरे को कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।